कंपोनेंट चाहिए जो बी वेक्टर के पर्पेंडिकुलर है और ये चार ऑप्शंस है तो चलिए हम सॉल्व करते हैं देखिए हम पहले क्या कंसिडर करते हैं कि सपोज ये हम डायरेक्शन मान लेते हैं किसका ए क्रॉस बी क्रॉस सी वैक्टर का ठीक है और ये डायरेक्शन मान लेते हैं हम बी वैक्टर का तो हमें कौन सा वेक्टर चाहिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी का कंपोनेंट जो बी वेक्टर के पर्पेंडिकुलर हो यानी कि एक ये वेक्टर चाहिए होगा हमें ठीक है इसे सपोज हम एक्स वेक्टर से डिनोट दे कर देते हैं ठीक है तो हमें ये एक्स वेक्टर चाहिए ये पर्पेंडिकुलर होगा बी वेक्टर से और एक क्रॉस बी क्रॉस सी का कंपोनेंट भी होगा ठीक है तो इसके लिए हम क्या करते हैं पहले सपोज ए क्रॉस बी क्रॉस सी का कंपोनेंट बी वेक्टर पे हमने वाई वेक्टर मान लिया ठीक है तो ये क्या हो जाएगा मॉड वाई इन बी डायरेक्शन तो इस ट्राइंगल में हम ट्राइंगल लॉ से क्या लिख सकते हैं कि एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर माइनस मॉड बी वेक्टर इन बी डायरेक्शन ठीक है ये हमने कैसे लिखा ट्राइंगल से तो अब हम क्या करते है? y हैं मॉड वाई ढूंढते हैं मॉड वाई क्या है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का कंपोनेंट बी वेक्टर पे तो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट सपोज हमारे पास है अगर बी वेक्टर और उसका कंपोनेंट चाहिए हमें किस पे क्यू वेक्टर पे तो वो क्या हो जाएगा पी वेक्टर का कंपोनेंट ऑन क्यू वेक्टर वो क्या हो जाएगा हमारे पास पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बाय मॉड क्यू वेक्टर इन क्यू डायरेक्शन ठीक है तो इस लॉजिक से हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर पे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स वेक्टर सॉरी मॉड वाई वैक्टर इन बी डायरेक्शन ये हमारा कॉम्पोनेंट है ये किसके इक्वल हो जाएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है हमें यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी वैक्टर का और बी वैक्टर का तो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी वैक्टर इसका डॉट करना है बी वेक्टर के साथ अपॉन मॉड बी वेक्टर इन बी डायरेक्शन ठीक है तो ये हो जाएगा अच्छा और देखिए ये यह यहाँ पे जो क्यू वेक्टर है ये यूनिट वैक्टर होना चाहिए तो इसके लिए हम मॉड क्यू वैक्टर से डिवाइड भी करते हैं यहाँ पे ठीक है तो उसी तरह से हम इसे मोड बी वेक्टर से डिवाइड भी करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर डॉट बी वैक्टर इन बी डायरेक्शन अपॉन मॉड बी वेक्टर स्क्वायर तो यह आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू अब हम देखते हैं कि इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हमारे पास डॉट है ठीक है तो ये देखिए हम इसे ऐसे लिखते हैं कि ये है बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर इन बी डायरेक्शन अपॉन मॉड बी स्क्वायर ठीक है तो अब इस पर अगर ध्यान दें तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉक्स वाले नोटेशन से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी क्रॉस सी वेक्टर इन बी डायरेक्शन बाय मॉड बी स्क्वायर ठीक है तो ये बॉक्स नोटेशन से हमने लिखा है इसे जैसे कि देखिए हमारे पास क्या होता है कि बॉक्स ऑफ ए बी सी इसे हम कैसे लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी लेकिन इसे ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस b डॉट c ठीक है तो इससे हम इस फॉर्म में लिखेंगे ये पहले इस फॉर्म में था b डॉट ए क्रॉस b क्रॉस c अब हम इसे इस इस फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए इसे जब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा b क्रॉस a डॉट b क्रॉस c बाय मॉड b वेक्टर स्क्वायर इन b डायरेक्शन तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई फाइनली देखिए मॉड वाई वैक्टर इन बी डायरेक्शन इसकी वैल्यू आ गई फाइनली बी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी बायर इन बी डायरेक्शन अब हम इससे सब्सिट्यूट करते हैं किसमें क्या था हमारे पास कि एक्स वैक्टर जो हमें ढूंढना है वो इक्वल्स टू था ए क्रॉस बी क्रॉस सी के माइनस मॉड वाई बी वैक्टर के ठीक है तो इससे सब्सिट्यूट करते हैं तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर माइनस मॉड वाई की जगह पे मॉड बाई बी वेक्टर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं तो हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बाय मॉड बी स्क्वायर एन बी ठीक है तो अब हम बी क्रॉस ए को अगर ए क्रॉस बी लिखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा एक तो हम फाइनली x वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं x वेक्टर हो जाएगा a क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी डॉट b क्रॉस सी बाय स्क्शन ठीक है तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन और ये कौन से ऑप्शन से मैच करते हैं ऑप्शन डी से तो डी वाला सही हुआ क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर हो सकता आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर